कन्हैया ने साथ में गर्भ में अपने भैया बलराम को भेजा। और जब पता चला कि कंस बच्चे को जन्म लेते लेते मार देता है तो वो बच्चा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ था रोहिणी के गर्भ से। अब आठवें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। जहाँ जहाँ एक के पहरेदार था वहाँ चार चार पहरेदार लगा दिए, एक ताला था चार चार ताले लगा दिए। भोजराज कंस स्वयं खड़ा हो गया पहरेदारी के लिए, भारी दुष्ट। रात्रि का समय जेल की दीवाल चमकने लगी, नारायण भगवान प्रकट हो गए। बताया देखा वसुदेव देवकी ने तो डर गए, कहने लगे भगवान डरना नहीं मैया, मैं हूँ तुम्हारा पुत्र। मैया बोली पुत्र कहीं इतना बड़ा होता है? प्रभु बोले छोटा सा रूप इसीलिए लेके नहीं आया, कहीं कंस आ गया तो तुम ना हमें बचा पाती ना खुद बच पाती, और बड़ा रूप इसीलिए लेके आया हूँ कहीं कंस आ गया तो तुम्हें भी बचा लूंगा, खुद की भी रक्षा कर लूंगा, और जब मैं छोटा सा हो जाऊं तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। सूप में रख करके यमुना के व्यापार गोकुल नगरिया में छोड़ गया आनंद बाबा यशोदा के यहाँ पर। प्रभु ने छोटा सा रूप लिया और आकर के मैया की गोदी में लेट गए। बोलिए कन्हैया लाल की, हाथों से हथकड़ी पैरों से बेड़ियां खुल गई। देवकी ने देखा तो जवाब दिया है, बोलिए